दोस्तों काफ़ी बच्चों ने साडे चैनल के थ्रू जेल वार्डन के एग्जाम की तैयारी की सी ते काफ़ी बच्चों का एग्जाम भी बहुत बढ़िया गया सी ते उन्हां वास्ते यह नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन विच इन्हां ने फाइनल मैरिट लिस्ट अते जिहड़ी काउंसलिंग की डेट आ वो जारी कर दी गई है। तुसीं अपनी कैटेगरी के हिसाब नाल इत्थे चैक कर सकते हो, कैटेगरी के हिसाब नाल जिन्ने भी तुहाडे परसेंटेज बनते हैं उस हिसाब नाल इत्थे डेट इन्हां ने मैनशन की हुई है। जिवें इत्थे आपां चैक कर सकते जनरल कैटेगरी तो बिलोंग करते हो तुसीं, तुहाडे 528 परसेंट तो उपर होने चाहिए ने, तो इत्थे पॉइंटां विच तुसीं चैक कर लियो। तो फीमेल कैंडीडेट जी जनरल कैटेगरी की वह 484 परसेंट तो उपर होने चाहिए ने, तो इन्होंने सिलैक्शन प्रोसैस वास्ते 16 मई 2022 सवेरे 10 बजे इन्हों के दिते हुए पते उपर काउंसलिंग जाना पेगा। तो इन्हों का दिता हुआ पता भी इतने इन्होंने नोट कर लो, तुसीं पंजाब वन भवन सैक्टर 68 मोहाली विखे तो उन्होंने जाना पवेगा। कदों जाना पवेगा दोस्तों? 16 मई 2022 में। इस तो इलावा EWS की भी देख सकते हैं, इन्हों की परसेंटेज कितने गई है, 585 तो लैके जी फीमेल ने 508 परसेंटेज तक वाले कैंडीडेटा का जोड़ा भी काउंसलिंग होगी वो 16 मई 2022 होगी। इस तो अलावा SC MB SC RO की आप इतने चैक कर सकते हैं, इन्हों की परसेंटेज गई है 487 तो लैके 588 तक मेल कैंडीडेट की, 491 तो लैके 500 तक फीमेल कैंडीडेट की। इन्हें SC MB SC RO की जी काउंसलिंग की डेट है वो 17 मई में है 2022 तो 10 बजे इन्होंने दिते हुए पते उपर काउंसलिंग पहुँचना है। इन्हें आप OBC की भी चैक कर सकते हैं, इन्हों की जी मैरिट लिस्ट गई है 635 पॉइंट कुछ उपर गई है, तो फीमेल की जी 524 परसेंटेज तक गई है। तो इन्हों की जी काउंसलिंग की डेट है इन्हों की भी 17 मई 2022 में 10 बजे तक आप पहुँचना है। इस तो बाद कि डाकूमेंट आप लेके जाने ने इस गल का तुम थोड़ा जहा नोट कर लो, क्योंकि जे ये डाकूमेंट तुम लेके गए तो सिलैक्शन रुक सकता है। बच्चे काउंसलिंग जा रहे हैं उन्होंने जन्म मिति 10वीं के पद्धर से पंजाबी पास के सबूत वजो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना है। दोस्तों तुम ये ओरिजिनली भी लेके जाना है तो फोटो कॉपी भी करा के लेके जानी है। इस तो अलावा विद्यक योग्यता के मुकम्मल सर्टिफिकेट मतलब कि जोड़ा भी ये ग्रैजुएशन बेस पोस्ट से या 12th बेस पोस्ट से उसका तुम्हें सर्टिफिकेट लेके जाना है, प्लस फोटो कॉपी भी जिक करके लैके जानी है। इस तो बाद उम्मीदवार वालों ऑनलाइन अप्लाई की हुई एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी जो आप पोस्ट में फिल की सी उदो अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलिया उसकी फोटो कॉपी भी आप लैके जानी है। इस अलावा दो रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। इस अलावा शनाख्ती सबूत वजो पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट या वोटर कार्ड भी लैके जाना है, ओरिजिनल भी लैके जाना है, तो फोटो कॉपी भी करा के लेके जानी है। पंजाब के निवासी होने के सबूत वजो ताज़ा जारी 5 सालों तो घट मतलब कि अपना रिहायशी सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी नाल लैके जाना है। तो नैक्सट गल करिए एक होर ऑप्शन इन्होंने जिहड़े भी पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवार विभाग नाल संबंधित ने मतलब जो भी स्टूल कास्ट नाल उन्होंने वास्ते भी इन्होंने स्वै घोषणा पत्र भी लैके आने की कहा है। जिहड़े भी बच्चे ने EWS की श्रेणी में अप्लाई किया उन्होंने वास्ते भी यह सर्टिफिकेट लेके जाना लाजमी है। तो एक्स सर्विसमैन वास्ते भी जिहड़ा जारी किए दस्तावेज अथॉरिटी वालों जारी किए हुए दस्तावेज का एक प्रूफ लेके जाना है। इस तो अलावा जिहड़े अनुसूचित जाति ने जां विमुक्त जाति नाल संबंध रखते हैं उस क्राइटेरिए विच आपां अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपां नाल लैके जाना है। दोस्तों जल्दी नाल ही अपने डाकूमेंट रेडी कर लो, एंड जे इस रिगार्डिंग कोई सवाल है तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी ले सकते हो।